दर्शक मूवी की स्टार्टिंग हमने इस तरह दिखाया था पहले जहाँ पे अमीर और फरीद स्टोबर को एक साथ था सबसे अच्छे मित्र बिना कि अमीर लोग सभी को तो पिंकी भी साथ लेने चाहिए कर सकते क्योंकि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड हुआ फॉर के से पोजिशन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्चर होता है और वो अपने मास्टर साथ एक छोटे से घर में रहता था और जब से फोन में देता कि जैसे स्पष्ट एंड स्वीप और उसका सपना है कैसे स्टीव वो एक दिन बहुत बड़ा कौन नहीं अब मैंने और लोगों को एक एंजाइटी से हंसाता रहते ऑस्कर से एक आइडिया लैटिन था जो थी तो इस टीवी शो में कॉमेडियन था और ऑप्शन थे यही सपना था जो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बन गए थे आइडिया मैन के साथ दिए इस शो पर उनका हम फिर हमें नेक्स्ट तो थी इनका से हमें यहाँ पर वन थाउ फर फोर और एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट फिर है टीवी दोस्त से एक फोर को नहीं जन के खड़ा हुआ देखते नर्स तभी वहाँ पर तो स्पर्च से आते हैं जो ट्रेडिशनल डी होते हैं और वो अंकल की वो बहुत सारे के पास उस एप पर फोर थ्री फोर को चिना लेते हैं और इसको लेकर चिना के अंदर से हैं यहाँ पर वन आउट करते हैं फिर जो एक चीज का बना होता है और वो चीज पर जन प्रति कंप्लीट ऐप पर दस ही टका होता है तभी वे बच्चे अब भी शायद बहुत दिन में बहुत साफ सीखे हाजिर पर फोर और छोटे पर पर और खराब में स्वाइन से पर फिर ऐप पर सैंसिंग को पार्टी थी उसकी पीछे हाथ से नहीं थी वो पर फिर एक थी बोर्ड ऑफिस में जब देंगे बट सॉरी की कुछ ज़्यादा सुबह बोर्ड थी अब ऑफ कर दूँ मुझे वो सिंस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मार दी थी जिससे सीट्रिक हॉल सब के साथ ही छोटा था भी और वो वहीं से जी जाता है फॉर्टन जो फिर वहाँ पर डूब जाता है चाहती हूँ बच्चे अब आदत की और फिर कुछ बहुत मार्फिंग है जिसके बाद ऑर्जन अपने आप को संभालता है और मुझे भी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे वो अपने बॉस की सारी बातें बताता है कि कैसे उन बच्चों ने बदतमीजी की है और उसे काफ़ी मारा है साथ ही उसका एडवर्टाइजर बोर्ड भी तोड़ दिया है लेकिन जो ऑथर का बॉस होता है वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है वो अब ऑथर से कहता है कि कैसे कोई बच्चे इस तरीके से हरकत कर सकते हैं कि झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें तुम्हारी सैलरी ही नहीं देगा और ऑथर के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है इसीलिए वो अपने आप को अपने बॉस के सामने सही प्रूफ नहीं कर पाता है वो अपने बारे में अपने लिए कुछ भी अपने बॉस से नहीं कह पाता है लेकिन साथ ही ऑथर अपने बॉस को बिना कुछ कहे वहाँ पे उदास खड़ा होकर के सीधे अपने घर आ जाता है और घर आकर के वो सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कोई भी मेरी बात को नहीं समझता है और कोई मेरी बातों पे बिलीव नहीं करता है थोड़ी देर बाद उदास बैठने के बाद ऑथर अपने कपड़े उतारता है और डांस करने लगता है जिसके हम देख पाते हैं कि ऑथर की बॉडी काफ़ी वीक होती है फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पे ऑथर अब अपने कलीग से मिलने के लिए तैयार होता है और अपने कलीग को वो अब उस बच्चों के बारे में सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे उन बच्चों ने इसके साथ क्या क्या हरकत की थी जिस पर ऑथर का कलीग अब ऑथर से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे इसीलिए अब ऑथर का कलीग उसे एक गन देता है और कहता है कि ये गन रखो ये तुम्हें बुरे वक्त में काम आएगी ऑथर अब उस गन को लेने के लिए मना कर रहा होता है बट उसका कलीग उसे करुण बदस्सी करके मुँह पर उसे पकड़ा ही देता है और ऑथर उस गन को लेकर के बस में बैठ के अपने घर वापस जा रहा होता है तभी बस में उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा होता है जिसे ऑथर देख कर उसे हंसाने की कोशिश करता है और छोटा बच्चा काफ़ी हंसने लगता है और तभी इस छोटे बच्चे की माँ भी वहीं भी बैठी होती है जो ऑथर को देख करके उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे कहती है कि हमें परेशान मत करो ये बात सुनकर के ऑथर और काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और हमें यह पता चलता है कि ऑथर की एक डिजीज होती है वो किसी भी सिचुएशन में अपनी हंसी को नहीं कंट्रोल कर पाता है ऑथर किसी भी सिचुएशन में हंसने लगता था वह और वो अपनी हंसी को नहीं कंट्रोल कर पाता है तभी वो अपने पास से एक अपने डिजीज का कार्ड निकालता है और वो उस लेडीज को देता है जिसे देख कर के ऑथर हंसता होता है जिसे भी ऑथर की डिजीज के बारे में सब कुछ टिका होता है जिसके बाद ऑथर अपने घर आता है और घर आ करके अपने मेडिसिन को लेने लगता है पर उसकी मेडिसिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ऑथर काफ़ी गरीब होता है इसीलिए ऑथर अपनी मेडिसिन को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए मेडिकल स्टोर से लिया करता था जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे ऑथर अपने साइकेट्रिक के पास जाता है और ऑथर की साइकेट्रिक्स जो अब उससे पूछती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ तो मुझे क्या क्या दिखा करते हो तब ऑथर अपनी डायरी अपनी साइकेट्रिक्स को दिखाता है और उसकी डायरी में लिखा होता है कि मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है जिसके बाद ऑथर अपने घर जाता है और घर आकर के ऑथर की माँ होती है जो अब ऑथर से पूछती है कि क्या तुम्हें थॉमस का लेटर आया इस पर ऑथर कहता है कि नहीं मेरे पास कोई भी लेटर नहीं आया है और हमें यहाँ पता चलता है कि थॉमस जो इस शहर का सबसे रिच आदमी है और थॉमस से सभी लोग काफ़ी डरते थे ऑथर की माँ ऑथर को ये भी कहती है कि अगर थॉमस को हमारी हालत के बारे में पता लगेगा तो फिर वो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और ऑथर अब काम से बाहर जाता है तभी उसी रास्ते में एक औरत और साथ ही उसकी छोटी बेटी मिलती है
और वो लेडी ऑथर को काफी पसंद आती है, लेकिन उस समय ऑथर उस लेडी से कुछ नहीं कहता है और वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अकेले से ऑथर की माँ उससे अब उसी लेटर के बारे में पूछती है, जिसपे ऑथर अपनी माँ से कहता है कि उसकी तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया है, आपका उसके साथ क्या कनेक्शन है, वो आखिर हमारी मदद क्यों करेगा, वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। फिर हमें अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं और ऑथर के घर पे अब वही लेडी आई होती है जो उसी रास्ते में मिली होती है, और ऑर्थर भी घर पे होता है, जिस पर अब वो लेडी ऑर्थर से बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ऐसा क्यों। इस पर ऑर्थर उस लेडी से कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ये सुनकर के वो लेडी मुस्कुराती है और इन दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम ऑर्थर को देखते हैं जिसे अब आगे से एक चौका करोड़ मिला होता है और उसे एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में जाना होता है। ऑथर अब चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में जाता है और बच्चों को जोकर बन करके हंसा रहा होता है, तभी वो डांस कर रहा होता है। उसी समय उसकी पॉकेट से अब वो गन बाहर आकर के गिर जाती है, जिसे देख करके सारे बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ भी काफ़ी डर जाता है और सब हैरान हो जाते हैं कि जोकर के पास गन क्या कर रही है। इसीलिए अब ऑथर के बॉस को कॉल किया जाता है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ऑथर अब अपने बॉस को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे पास जो गन थी वो सिर्फ एक टॉय गन थी, इसे किसी को भी कुछ नहीं होगा। जिस पर अब ऑथर को बॉस जो उसे कहता है कि तुम उसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे खुद जाकर के ये कर ली थी। और ये बात सुनकर के ऑथर का दिल काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि उसकी कलीग ने उसे ये गन काफ़ी फोर्सफुली दी हुई थी, लेकिन उसने उसके बॉस से झूठ बोला होता है। इसीलिए ऑथर अब वहाँ से निकल करके ट्रेन में बैठ के वापस घर से आ रहा होता है और वो काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ पे अब तीन बिजनेसमैन होते हैं और वो तीन बिजनेसमैन थॉमस के ही आदमी होते हैं। उसी ट्रेन में एक लड़की बैठी होती है जिसे अब वो लोग खेल रहे होते हैं और साथ और ऑर्थर जो ये सब कुछ देख रहा होता है। उसी समय उसे अब उसके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है। तभी वो तीन बिजनेसमैन जो अब ऑर्थर को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्थर हमारे ऊपर हंस रहा है, इसीलिए उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जाकर के ऑर्थर को काफ़ी मारने लगते हैं। अब ऑथर अपने मेंटल हेल्थ लोगों को बताने की कोशिश कर रहा होता है, बट ये तीनों ऑथर की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बट वो लोग ऑथर को मारने से रुक ही नहीं रहते, इसी वजह से ऑथर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से गन निकाल करके उन तीनों के ऊपर शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वो यहाँ से इसीलिए भागता है कि उसने इन तीन लोगों का मर्डर किया है। तभी वो भागते हुए एक बाथरूम में जा करके अपने आप को बंद कर लेता है और वो काफ़ी डरा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऑथर अब उसी बाथरूम में डांस करने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जोकर वो अब कोई दुख नहीं है, वो तब के अंदर से डर भी गायब हो गया है कि उसने तीन लोगों को मारा है। और वो अब सुकून से बाहर आता है और अपने घर वापस जाता है और घर में जा करके वो अब न्यूज़ देखता है जिसमें अब लाइव न्यूज़ आ रही होती है और उसमें थॉमस होता है। थॉमस अब सभी को कह रहा होता है कि जो तीन लोग मारे गए हैं वो मेरे आदमी थे और इन्हें जोकर ने मारा है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे हम जोकर को देखते हैं और जो ये सारी न्यूज़ को देख करके मुस्कुरा रहा होता है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस शहर के जितने भी गरीब लोग होते हैं वो अब थॉमस के साथ ना देकर लोग जोकर के सपोर्ट में होते हैं, क्योंकि उस शहर के जितने भी गरीब लोग होते हैं वो लोग एक जोकर के रूप में अमीर लोगों के अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे ऑथर अपने साइकेट्रिक्स के पास जाता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे ऑथर अब एक अपने छोटी सी कॉमेडी शो में जाता है और वो लाफिंग के लिए जोक सुना रहा होता है। इसी बीच ऑथर को काफी तेज हंसी आने लगती है और उसका ये शो भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब ऑथर अपने घर आता है और ऑथर की माँ अब ऑथर से कहती है कि बेटा इस लेटर को थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑथर अब उस लेटर को लेकर के जाने लगता है, बट रास्ते में ही रुक करके वो उस लेटर को पढ़ता है और ऑथर लेटर पढ़ करके उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद ऑथर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। जिस पर ऑथर की माँ अब उससे कहती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, इनफैक्ट मैं और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे और आगे चल करके हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था, इसी वजह से हम लोगों ने सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। अब ऑर्थर यहाँ से निकल पड़ता है अपने बाप यानी कि थॉमस के पास जाने के लिए और ऑर्थर अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे थॉमस रहता था। तभी ऑर्थर घर के पीछे वाले गेट के पास जाता है और वहाँ पे थॉमस का खुद का लड़का खड़ा होता है, जिसे देख करके ऑथर उसके सामने बच्चों वाली हरकत करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे थॉमस का बटलर आ जाता है और वो अब थॉमस के बेटे को देख करके कहता है कि तुम यहाँ से चलो, कभी भी इस स्ट्रेंजर से बात नहीं किया करते हैं, ये
ऑथर को बिल्कुल नहीं पसंद आती है और वो अब थॉमस के बटलर से कहता है कि मैं अब सच्चाई से पता हटा के रहूँगा, मेरी माँ थॉमस के यहाँ पे 30 साल से काम करती थी और थॉमस और मेरी माँ एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे, लेकिन और मैं और कोई नहीं जबकि थॉमस का ही बेटा हूँ। ये सुन करके थॉमस का बटलर जो ऑथर से कहता है कि तुम पागल हो और साथ ही तुम्हारी माँ भी पागल है और ये सारी स्टोरी तुमने अब मनगढ़ंत बनाई है, तब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का थॉमस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सारी बातें सुन करके ऑथर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब बटलर का कॉलर पकड़ लेता है, जिस थॉमस का बटलर अपने आप को छुड़ाता है और ऑथर वहाँ से भाग करके सीधे अपने घर जाता है। और घर जाने के बाद ऑथर को पता लगता है कि उसकी माँ को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उसकी माँ को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऑथर अब हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, तभी उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं कि और वो अब ऑथर से पूछ रहे हैं कि 3 बिजनेसमैन मारे गए हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? जिस पर ऑथर कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ कि वो लोग कौन थे और कैसे मरे। यहाँ पे ऑथर को ये भी पता चलता है कि यही सेम क्वेश्चन ऑथर की माँ से भी पूछा गया था, जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया था। जिसके बाद ऑथर अपनी माँ के पास अंदर आता है और वहाँ पे अब वो लेडी भी होती है जिसे ऑथर पसंद करता था। ये दोनों बैठ के अब बात करते हैं, तभी अब टीवी पे एक शो आने लगता है और ये शो उसी फेमस कॉमेडियन का होता है जो ऑथर का आइडियल होता है। ऑथर उसे काफ़ी पसंद करता था और उसके शो को काफ़ी ध्यान से भी देखता था, इसीलिए ऑथर अब हॉस्पिटल में ही बैठ करके अपने आइडियल कॉमेडियन का शो देखने लगता है। और ऑथर उस शो को देखने में इतना खो जाता है कि उसे उस टीवी में अपना चेहरा नजर आ रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस शो में कॉमेडी कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑथर को रियलाइज होता है कि उसका जो आइडियल कॉमेडियन है वो उसी का मजाक उड़ा रहा है और ये उसी शो पे उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस शो में ऑथर को काफी जोर से हंसी आ गई थी और वो अपनी हंसी को नहीं कंट्रोल कर पाया था। ऑथर जब ये सारी चीजें सुनता है, इसी वजह से ऑथर को काफी दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है कि उसका जो फेमस आइडियल कॉमेडियन है वही उसका खुद का मजाक उड़ा रहा है। और ऑथर सोचने लगता है कि इन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, लेकिन अब ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऑथर अब अपने घर आता है और टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि अब शहर जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग जोकर का मास्क पहनते थे स्ट्राइक कर रहे हैं, इसी वजह से शहर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जितने भी अमीर लोग थे वो सभी थॉमस के ही आदमी थे जिनके अगेंस्ट गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे। ये चीज़ देख करके थॉमस को काफ़ी खुशी होती है और वो ये समझ जाता है कि पहली बार मेरी वजह से किसी को तसल्ली मिली है और मेरे शो की तारीफ हो रही है। वहीं पे हमें अब गरीब लोग दिखाए जाते हैं और ये लोग एक थिएटर के बाहर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और उस थिएटर के अंदर सभी अमीर लोग बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अब ऑथर भी आ जाता है और ऑथर भी गरीब लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है और सभी लोग जोकर बने हुए थे। तभी इन गरीब लोगों को हटाने के लिए यहाँ पे पुलिस आ जाती है और इसी बीच ऑथर मौका पाकर के थिएटर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो एक वेटर के रूप में होता है और वो अब उसी वॉशरूम में जाता है। इसी थिएटर में थॉमस भी आया होता है। थॉमस अब वॉशरूम जाता है और ऑथर जब थॉमस को देखता है तो वो भी उसके किसी वॉशरूम में एंटर करता है और थॉमस को देख करके वो अब कहते हैं कि यार मैं आपका बेटा हूँ, याद करिए कि मेरी माँ और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात जैसे थॉमस सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऑथर से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता हूँ और तुम पागल हो। ये चीज़ सुनकर के ऑथर को काफ़ी गुस्सा आता है। उसी समय थॉमस अब ऑथर के नाक पे एक जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से ऑथर की नाक से काफी खून बहने लगता है। इसी वजह से ऑथर वहाँ से सीधे अपने घर आ जाता है। तभी ऑथर के पास अब पुलिस का कॉल आता है और पुलिस भी ऑथर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी उन 3 लोगों के मरने की वजह से जिन्हें ऑथर ने ट्रेन में मारा था। उसी समय अब ऑथर को ये भी पता चलता है जो उसका आइडियल कॉमेडियन है उसने ऑथर को अपने शो में बुलाया है और वो आइडियल कॉमेडियन अब ऑथर से कहता है कि मेरे शो की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है जब से मैंने तुम्हारे शो को अपने शो में चलाया था, इसी वजह से मेरा शो लोगों को काफी पसंद आया है, जिसकी वजह से लोग मेरे शो में काफी रेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी ऑथर ये बात सुनकर काफी खुश होता है और वो अब तैयार होकर के सीधे अपने आइडियल कॉमेडियन से मिलने के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में जा रहा होता है और वो रास्ते में जा रहा होता है उसी समय इसे याद आता है कि थॉमस के पार्टनर ने उसे कहा था कि तुम्हारी माँ भी पागल थी, इसीलिए ऑथर अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे एक टाइम पे उसकी माँ का इलाज चला करता था। अब ऑथर मेंटल हॉस्पिटल में जाने के बाद अपनी माँ की फाइल को मांगता है, जहाँ पे रिसेप्शन वाले उसकी माँ की फाइल दिखाते हैं लेकिन उसे हैंड टू हैंड नहीं देते हैं। तभी ऑथर अब अपनी माँ की फाइल को चुरा करके वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, वो अपनी माँ की फाइल को ओपन करता है तब उसमें लिखा होता है कि उसकी माँ का रिलेशन किसी और के साथ चल रहा था जो उसे काफ़ी मारता था और काफ़ी
फिजिकली अब्यूज करता था और उसी दौरान ऑर्थर के सर पे भी चोट आई थी जिसकी डिजीज अभी तक ऑर्थर के अंदर है और इसी वजह से वो लाफिंग डिजीज आ गई है जो कभी तक खत्म नहीं हुई है। और ये सारी बातें जानने के बाद ऑर्थर और चीते अपनी फ्रेंड यानी कि उसी लेडी के पास जाता है। वहाँ जाकर के ऑर्थर को पता लगता है कि असल में तो कोई लेडी वहाँ पे थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थर के एक इमेजिनेशन थी। इसी वजह से ऑर्थर काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। साथ ही ऑथर अपने माँ की द्वारा बोले हुए झूठ की वजह से काफ़ी परेशान होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अब सीधे अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर के एक पिल्लू से अपनी माँ को जान से मार देता है। जिसके बाद ऑथर अपने घर आता है, घर आकर के वो कुछ पिक्चर्स को देखता है जिनके पीछे लिखा होता है कि तुम्हें मुझे तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर ऑथर की माँ की होती है। पढ़ने के बाद ऑथर समझ जाता है कि उसने अपनी माँ को मार करके गलत किया है क्योंकि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी, उसकी माँ का सच में रिलेशन था थॉमस के साथ। इसीलिए अब जोकर को काफ़ी बुरा लगता है और वो अगेन से अपने जोकर का पिकअप करने लगता है। तभी उसके घर पर उसका कलीग आता है और उसका कलीग ऑथर से कहता है कि अभी हाल में ही ट्रेन में 3 लोगों की मौत हुई थी और सडनली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ है, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। ऑथर अब सोचता है कि अब ये लोग मेरे पीछे फिर से पड़ गए हैं मेरी माँ के कत्ल के बारे में पूछने के लिए, इन लोगों ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। इसीलिए ऑथर अब अपने करीब को भी जान से मार देता है और अब वो अपने जोकर के मेकअप को करके साथ अपने जोकर वाले कपड़े पहन करके निकल जाता है अपने फेमस कॉमेडियन से मिलने के लिए। रास्ते में ऑथर जब जा रहा होता है तभी उनके सामने अब वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो उससे इससे पहले ऑथर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिन्हें देख करके ऑथर यहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए एक ट्रेन में जा करके बैठ जाता है। ट्रेन में जाने के बाद ऑथर देखता है कि इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ठोकर बने हुए। तभी उसी ट्रेन में अब वो 2 पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और ट्रेन में काफी सारे जोकर होते हैं, ऑथर को नहीं पहचान पाते हैं और ऑथर इसी चीज का फायदा उठा करके ट्रेन से बाहर आकर के सीधे अपने फेमस कॉमेडियन के शो पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अब उसका फेमस कॉमेडियन अब ऑथर से पूछ रहा है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। जिस पर ऑथर अपने फेमस कॉमेडियन से कहता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बताइएगा सिवाय इसके कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। जिसके बाद इनका शो अब स्टार्ट होता है और अब सभी यहाँ पे बड़े बड़े कॉमेडियन बैठे होते हैं, साथ ही अब ऑथर का फेमस कॉमेडियन भी यहीं पर बैठा होता है और ऑथर जो अभी शो में जोकर बन करके बैठा होता है। जिस पर अब ऑथर का फेमस कॉमेडियन अब उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे जोकर बन करके क्यों आए हो। जिस पर ऑथर अब अपने फेमस कॉमेडियन और साथ ही ऑडियंस से कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और साथ ही मैं लोगों को भी खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जब इस गेटअप को लिया तो मेरा ये लुक लोगों को काफी पसंद आया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस शो में भी इसी लुक के साथ आऊंगा, इसीलिए लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे अब जितने भी ऑडियंस और ये लाइव शो सभी लोगों को काफी पसंद आ रहा होता है, सभी शो को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ऑथर एक ऐसी बात बोलता है जिससे कि सब हैरान हो जाते हैं। ऑथर अब सभी लोगों के सामने ये बता देता है कि उस ट्रेन में जब 3 लोग मारे गए हैं उन्हें मैंने ही मारा है और ये सब ऑथर ने यहाँ पे क्यों बताया था वो इसका भी रीजन देता है। वो कहता है कि अभी तक कितने भी इतने सारे गरीब लोग मरे हैं जिन्हें अमीर लोगों ने मारा है, लेकिन आज तक इस चीज का किसी ने भी मुद्दा उठाया, किसी ने भी उन गरीब लोगों को याद, जितने भी लोग अभी मारे गए तो फिर मैंने भी उन 3 अमीर लोगों को मार दिया, लेकिन अभी इस चीज का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। अभी तक जितने भी गरीब मरे क्या वो इंसान नहीं थे, क्या ह्यूमंस में इक्वालिटी नहीं है, अमीर लोग भी इंसान है तो फिर उन गरीब लोगों के साथ उनकी इक्वालिटी क्यों नहीं होती है। सोसाइटी इस समय बहुत खराब और सभी लोग सिर्फ अपना अपना फायदा देखते हैं। साथ ही अब ऑथर अपने फेमस कॉमेडियन से ये भी कहता है कि तुमने मुझे अपने शो में बुलाया है, ये तुम्हारी इंसानियत नहीं है, जबकि तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसीलिए तुमने मुझे अपने शो में बुलाया है। जिस पर ऑथर का फेमस कॉमेडियन अब ऑथर से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें अपने शो में इसलिए नहीं बुलाया है। ये सुन करके ऑथर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब उससे कहता है कि अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ ऑथर अपनी पॉकेट से अब गन निकालता है, लाइव शो में ही फेमस कॉमेडियन के ऊपर शूट कर देता है जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये चीज देख करके सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पूरी ऑडियंस अब शो से बाहर आने लगती है। लेकिन हम अब ऑथर के फेस को देखते हैं जिसकी फेस पे कोई भी सिक्वेंस नहीं होती है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो ऑथर के अंदर अब काफी कॉन्फिडेंस आ गया होता है, ऑथर के अंदर कोई भी डर नहीं बचा था, वो किसी से भी नहीं डर रहा था। इसी वजह से यहाँ पे अब पुलिस आ जाती है जो अब ऑथर को अरेस्ट कर अपने साथ दूर लेकर के जाने लगती है। उसी समय ऑथर अब कार में बैठ करके देख रहा होता है कि उसकी काफ़ी सारे सपोर्टर होते हैं जो जोकर के ही रूप में उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं।
तभी यहाँ पे अब जोकर में से कुछ लोग इसी एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसे एम्बुलेंस बुला करके पुलिस की कार से क्रैश कर देते हैं, जिससे कि अब पुलिस की कार पलट जाती है और जोकर अब बाहर आ जाता है, यानी कि ऑथर बाहर आ जाता है। ऑथर अब इन सभी लोगों के बीच में शामिल होकर के उसी कार के ऊपर आकर के खड़ा होता है, जिसे कि ऑथर यानी कि जोकर को देख पा रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफ़ी खून बह रहा होता है, लेकिन ऑथर बिल्कुल नहीं जाता है और वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और अपने हाथ खड़े होकर के सभी के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। और यहाँ पे हम ऑथर की स्माइल को देखते हैं, जिसके पीछे काफ़ी सारे गम, दुख और काफ़ी दर्द भी छुपा होता है, लेकिन वो इसके साथ अपने सपोर्टर्स स्माइल लेता रहता है। और साथ ही अब ऑथर को ये भी बिलीव हो जाता है कि वो अपने एक सपोर्टर के लिए हीरो बन गया है, सब उसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब थॉमस को देखते हैं, जो अब अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ इस शहर को छोड़ कर के जा रहा होता है। और ये लोग अब जैसे ही ट्रेन के पास पहुँचते हैं, तभी साइड में एक जोकर खड़ा होता है, जो अब थॉमस और उसकी वाइफ के ऊपर शूट कर देता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन वो जोकर इनके बच्चे को कुछ भी नहीं करता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें ऑथर को एक साइकेट्रिक्स के पास दिखाया जाता है। साथ ही ऑथर साइकेट्रिक्स के सामने बैठ करके भी काफ़ी जोर जोर से हंस रहा होता है। जिस पर वो साइकेट्रिक्स अब ऑथर से पूछती है कि तुम बेवजह क्यों हंसते रहते हो। जिस पर ऑथर अपने साइकेट्रिक्स से कहता है कि इस रीजन को आप कभी नहीं समझ पाएंगी। और फिर हमें अब ऑथर को उस रूम से बाहर आते हुए दिखाते हैं, जिसके जूतों के नीचे खून लगा होता है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि कैसे एक अच्छा इंसान एक नॉर्मल इंसानी कातिल में बदल गया। और इसी के साथ हमें इस मूवी से यही बताया गया है कि कैसे एक इंसान को इतना सताया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना दर्द दिया गया, जिसकी वजह से वो आगे जा कर के कातिल बन गया। ऑथर अपने इस लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाई होता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।